हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर द फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स ऑफ यूनिक पब्लिक स्कूल रैया। स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 का सम नंबर 9th। मार्क द पीरियड्स एंड राइट द एक्सपेंडेड नोटेशन इन इंडियन सिस्टम। तो सम नंबर 9th में हम क्या करेंगे, जैसे ये सम नंबर 9th का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया 3,05,489। इसमें हमें क्या करना है, पीरियड्स को मार्क करना है और इस नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमेरल सिस्टम। जैसे जो 9 है कौन सी प्लेस पर है, अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमेरल सिस्टम 1s प्लेस पर। 8 है 10s प्लेस पर। 4 है 100 प्लेस पर। 5 है 1000 प्लेस पर। 10,000 है। 0 है 10,000 की प्लेस पर। एंड 3 है लैक की प्लेस पर। ठीक है, जो अब हमें क्या करना है, पीरियड्स को मार्क करना है। जैसे फर्स्ट पीरियड में हम कौन कौन सी प्लेस वैल्यू लेते हैं, 1s 10s एंड 100। तो जो फर्स्ट पीरियड हमारा बना है वो है 1s 10s एंड 100 का। फर्स्ट पीरियड हमारा कौन सा बना है, फर्स्ट पीरियड में हम कौन कौन सी प्लेस वैल्यू लेते हैं, 1s 10s एंड 100। सेकंड पीरियड में जब हम प्लेस वैल्यू लेते हैं तो उसमें हम नेक्स्ट टू ही प्लेस वैल्यूज लेते हैं। जैसे सेकंड पीरियड में हमारी जो सेकंड पीरियड बनेगा उसमें हम लेंगे 1000 एंड 10,000। सेकंड पीरियड हमारा बन गया 1000 एंड 10,000 का। और जो नेक्स्ट है इसमें सिर्फ हमारे पास लैक की प्लेस पर सिर्फ 3 है और नेक्स्ट हमारे पास 10 लैक नहीं है, इसलिए हमारा जो थर्ड पीरियड बना है वो सिर्फ लैक का ही बना है। ये हमारा थर्ड पीरियड। ठीक है, तो अब हमें करना है इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमेरल सिस्टम। जैसे 3 कौन सी प्लेस पर है, लैक की प्लेस पर। तो लैक में टोटल कितनी जीरोज होती हैं, 5। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 3 लैक प्लस 1000 की प्लेस पर क्या है, 0। तो 0,000 की प्लेस पर है ना, इसलिए हम जब यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि 1000 की प्लेस पर 0 ही है। तो सिंपली अब हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस 0। नेक्स्ट 1000 की प्लेस पर क्या है, 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5000। 1000 में कितनी जीरोज होती हैं, 3। नेक्स्ट अब लिखेंगे 400। 100 की प्लेस पर है 4। यहाँ पर लिखेंगे 400। 100 में टोटल 2 जीरोज होती हैं। नेक्स्ट है 10s। 10s की प्लेस पर है 8। तो यहाँ पर लिख दिया 80, क्योंकि 10s में टोटल कितनी जीरोज होती हैं, ओनली 1। प्लस 9 है 1s की प्लेस पर, प्लस 9। तो ये हुई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने पीरियड्स को भी मार्क कर दिया है और एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, सम 9th के जितने भी नेक्स्ट पार्ट हैं वो सभी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू।